कक्षा 3 पाठ 7 टिपटिपावा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। एक बुढ़िया थी तो उसका जो पोता था वो रोज़ अपनी दादी से कहानी सुनता था। कहानी तरह तरह की, कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी, इस तरह से तरह तरह की कहानी सुनता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी बारिश उन लोगों के यहाँ पर कभी नहीं हुई थी जैसी तेज और भारी बारिश हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। पूरा का पूरा जो गांव है वो परेशान हो गया था कि इतनी बारिश हो रही है, सभी परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 इस तरीके से उसकी झोपड़ी में जगह जगह कहीं जगह पानी टपकने लगा। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। रोज़ की तरह आज भी उनका जो पोता था वो दादी की गोद में लेट गया और मचलने लगा, रोने लगा कि मुझे कहानी सुनाओ, इस तरीके से मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली, बुढ़िया मतलब जो दादी थी वो गुस्से में बोली, अरे बचबा का कहानी सुनाए। मतलब उनने गुस्से में बोला कि क्या कहानी सुनाए। ई टिप टिपावा से जान बचे तब ना। मतलब जो टिप टिप बारिश हो रही है इतनी तेज कि पूरी झोपड़ी में टिप टिप करके पानी गिर रहा है, तब उससे जान बचे, तब तो कुछ दूसरा काम करें, इस तरीके से उनने उससे अपने पोते को बताया। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ए टिप टिपावा कौन है? टिप टिपावा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? इस तरीके से उसने अपनी दादी से प्रश्न किया।